तो हे गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू क्लोन एनी वेबसाइट इन वर्डप्रेस फॉर फ्री, है ना। सो आप वर्डप्रेस के अंदर हम किसी भी वेबसाइट को कॉपी करके आप वर्डप्रेस के अंदर कैसे पेस्ट कर सकते हो, कैसे आप वर्डप्रेस के अंदर यूज कर सकते हो और एडिट कर सकते हो, पूरा हम आपको इस वीडियो में प्रैक्टिकल करके आपको बताने वाले। और है ना, आप एलिमेंटर जैसे गुटेनबर्ग जैसे ना बिल्डर के अंदर पेस्ट करके आप एडिट भी कर सकते हो और यूज कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, आप किसी भी वेबसाइट को कॉपी करके आप एलिमेंटर के बिल्डर के अंदर पेस्ट कर सकते हो और एडिट कर सकते हो। फुल हम आपको प्रैक्टिकल करके आपको इस वीडियो में बताने वाले, जिससे कि आपको समझ आ जाए कि आप कैसे यूज करने वाले। और हाँ, आपको ये वीडियो पूरा एंड तक देखना होगा, तभी आपको समझ आएगा कि आप कैसे इसको प्रैक्टिकल करके यूज कर सकते हो और आप कैसे आप किसी भी वेबसाइट को कॉपी करके आप वर्डप्रेस के अंदर पेस्ट कर सकते हो, मतलब एलिमेंटर गुटेनबर्ग जैसे बिल्डर के अंदर पेस्ट कर सकते हो और यूज कर सकते हो। और आपको बताने वाले आपको कौन से टूल को यूज करना होगा, तभी आप ना थीम को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। तो अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के अंदर, आपको लैपटॉप की स्क्रीन में आपको करके बताने वाले और वर्डप्रेस के अंदर भी आपको यूज करके बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको करना है कि आपको न्यू टैब में चले आना है, आपको यहाँ पर सर्च करना है क्लोन वेब एक्स करके, यहाँ पर इसको सर्च करना है, यहाँ पर कर देना एंटर। तो ऊपर देखो आपको एक वेबसाइट दिख रही है softwriter.io, आपको इस वाली वेबसाइट को कर देना है ओपन। सो इसको मैं करता हूँ न्यू टैब में ओपन। तो यहाँ पर देखो क्लोन वेब एक्स यहाँ पर देखो वेबसाइट के अंदर आ गए। सो यहाँ पर देखो लिखा आ गया क्लोन वेबसाइट टू यूर पेज बिल्डर इन मिनट विद AI, है ना। सो कैसे आप AI की मदद से आप किसी की वेबसाइट को कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हो, वो भी एलिमेंटर जैसे बिल्डर के अंदर। सो आपको देखो लिखा भी आ गया पेज बिल्डर, यहाँ पर तो लिखा भी आ रहा है सपोर्टेड पेज बिल्डर। यहाँ पर वेबफ्लो के अंदर यूज कर सकते हो, वेबफ्लो भी पेज बिल्डर है। यहाँ पर देखो एलिमेंटर यूज कर सकते हो, यहाँ पर देखो ब्रेक करके भी आ रहा है, यहाँ पर देखो ब्रेक डांस, फिर आ रहा है गुटेनबर्ग, ये सारे ना बिल्डर है। आप ये सारे बिल्डर के अंदर किसी भी वेबसाइट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर एक करके भी बताया यहाँ पर आपको, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट वाली चीजें आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये जो इम्पोर्टेंट चीज है प्राइसिंग वाला, यहाँ पर प्राइसिंग के अंदर कुछ प्लान आएंगे आप तभी आप एलिमेंटर जैसे बिल्डर के अंदर आप किसी भी वेबसाइट को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर प्राइसिंग में देखो यहाँ पर फ्री प्लान आ रहा है, यहाँ पर देखो 30 साइट वाला प्लान आ रहा है, यहाँ पर 400 साइट वाला, यहाँ पर 300 साइट वाला, यहाँ पर देखो ये प्लान आ रहा है। तो आपको यहाँ पर देखो ये सारे प्लान जो मंथली प्लान है, ये मंथली प्लान है, यहाँ पर ये ईयरली प्लान है, यहाँ पर देखो ये लाइफ टाइम वाला प्लान है। देखो आपको मैं बता दूं फ्री वाले में आपको देखो क्या क्या मिलने वाला है। आप यहाँ पर फ्री वाले में देखो आप सिर्फ गुटेनबर्ग और वेबफ्लो आप यूज कर पाएंगे, आप यहाँ पर फ्री वाले के अंदर एलिमेंटर की यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको एलिमेंटर में यूज करना है तो आप ये वाले प्लान में जा सकते हैं। आपको लिखा आ गया ऑल आउटपुट बिल्डर, मतलब इसमें 10 बिल्डर को आप यूज कर पाएंगे और आप फ्री वाले प्लान में सिर्फ 2 ही बिल्डर में आप कॉपी करके पेस्ट कर पाएंगे, इसको लिखा आ गया है। तो अभी मैं आपको फ्री वाला यूज करके बताने वाला हूँ और आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पेड वाला भी यूज करके बताने वाला हूँ, मतलब कि एलिमेंटर वाला, है ना। सो यहाँ पर मैंने प्लान आपको बता दिए, यहाँ पर आप इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करके आप एक बार इसको चेकआउट करके देख लेना। और हाँ, इस वाली जो वेबसाइट की जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और कमेंट में भी पिन कर दूंगा। सो अब मुझे करना है आपको चले जाना आप न्यू टैब के अंदर, यहाँ पर आपको सर्च करना है क्रोम वेब एक्स एक्सटेंशन, मतलब क्रोम एक्सटेंशन। यहाँ पर मैंने सर्च कर दिया, यहाँ पर ये एक्सटेंशन आ गया है क्रोम वेब एक्स softwriter.io क्रोम वेब स्टोर, है ना। सो इस पे कर देना क्लिक। सो अब आपको ना इस वाले एक्सटेंशन को आपको एड कर देना है आपको क्रोम के अंदर। सो मैं करता हूँ एड टू क्रोम पर क्लिक। सो यहाँ पर मैंने एड टू क्रोम पर क्लिक कर दिया। अब मैं चले जाता हूँ एक्सटेंशन के अंदर, तो मैं यहाँ पर देखो एक्सटेंशन के अंदर आ गया, ये देखो आ गया एक्सटेंशन। इस मैं एक्सटेंशन को कर देता हूँ मैं पिन, जैसे मैंने पिन किया तो यहाँ पर देखो ये एक्सटेंशन आ गया है ना। सो अब मैं किसी एक साइट को करता हूँ ओपन, है ना, जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ। सो अभी मैं किसी एक साइट को करता हूँ ओपन। तो अब देखो मैंने ना यहाँ पर एक वेबसाइट ले ली, है ना। सो मैं ना इस वाली वेबसाइट को कॉपी करके वर्डप्रेस के अंदर आपको पेस्ट करके आपको बताने वाला हूँ, है ना। सो आपको ये वेबसाइट मैंने दिखा दी, है ना। आप ना किसी भी वेबसाइट को कॉपी कर सकते हो, चाहे वो वेबसाइट वर्डप्रेस पर बनी हो, चाहे वो वेबसाइट किसी भी कोडिंग पर बनी, चाहे वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर बनी, आप किसी को भी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो, मतलब क्लोन कर सकते हो, है ना। सो अब आपको करना क्या, अब आपको चले आना क्रोम एक्सटेंशन के अंदर, आपको जो ऊपर दिख रहा है ये आ गया क्रोम का एक्सटेंशन, आपको इस पर करना क्लिक। फिर आपको करना ये लॉगिन का ऑप्शन आना, फिर आपको करना है लॉगिन पर क्लिक। जैसे मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पर देखो आपको फिर यहाँ पर एक पर अकाउंट बना लेना। फिर जैसे आप इस पर अकाउंट बना लेंगे, फिर आपका एक ऑप्शन दिखेगा एड प्रोजेक्ट करके, मतलब एड न्यू प्रोजेक्ट करके, है ना। सो आपको इस पर कर देना क्लिक। फिर यहाँ पर मैं प्रोजेक्ट का यहाँ पर नेम दे देता हूँ। सो यहाँ पर मैं ना एक प्रोजेक्ट का नेम दे देता हूँ। सो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट का नेम दे दिया एजेंसी। फिर मैं करता हूँ क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक। सो यहाँ पर मैं सोर्स भी डाल देता हूँ, डोमेन का मैंने सोर्स नहीं डाला। सो यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ कॉपी, यहाँ पर पेस्ट ना। सो यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट का नेम डाल दिया है, यहाँ पर मैंने सोर्स डोमेन भी डाल दिया। सो अब मुझे करना है क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक। जैसे मैंने क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक किया, सो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है
हाउ टू क्लोन द वेब पेज है ना। उसमें यहाँ पर लिखा आ गया फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप। यहाँ पर लिखा आ गया इंस्टॉल क्लोन वेब एक्स क्रोम एक्सटेंशन, गो टू योर टारगेट। फिर यहाँ पर थर्ड स्टेप में आ रहा क्लोन द वेब पेज। सो हमें करना क्या, हम चले आते हैं अभी फिर से उस वेबसाइट के अंदर जिसको मैं कॉपी करना चाहता हूँ, मतलब क्लोन करना चाहता हूँ। इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो मैं इस पे करता हूँ क्लिक है ना। सो मैंने ना एक्सटेंशन पे कर दिया क्लिक। सो अब मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा प्रोजेक्ट को। यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर दिया एजेंसी, जो मैंने नेम दिया था आपको उसी प्रोजेक्ट को करना है सेलेक्ट। फिर आपको कर देना एड पेज पर क्लिक। तो जैसे मैंने एड पेज पर क्लिक किया, सो यहाँ पर देखो लोडिंग ले रहा है, यहाँ पर लिखा आ गया, यहाँ पर देखो ये फीचर्स भी आएगा। यहाँ पर देखो राइट साइड में आपको देखो फीचर दिखना स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आ गया क्लोन वेब एक्स, यहाँ पर एक्सपोर्ट टाइप आ गया, पेज बिल्डर आ गया, रिक्वायरमेंट आ गई है। यहाँ पर देखो उसके सारे फीचर्स आपको देखने लगे। यहाँ पर देखो साइड भी आ गई है, ये देखो साइड आ गई। तो आपको मैं बता दूं, आप ना पूरी साइड को कॉपी भी कर सकते हो, या फिर आप किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन को भी आप कॉपी कर सकते हो, है ना। सो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सपोर्ट टाइप में दिखा देता हूँ, सेलेक्टेड नहीं दिखाना, मुझे करना है एंटायर पेज, है ना। फिर इसका देखो पेज बिल्डर आ रहा है, पेज बिल्डर में देखो एलिमेंटर भी आ रहा है ना। सो आपको देखो एलिमेंटर देखो पेड में आ रहा है, ये देखो लिखा है पेड एलिमेंटर। यहाँ पर देखो गुटेनवर्क फ्री में आ रहा है, मतलब जो लिखा नहीं आ रहा पेड, तो आप गुटेनवर्क में आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो। फिर देखो वेब फ्लो में आप देखो पेड नहीं आ रहा, ब्रेक में नहीं आ रहा, यहाँ पर आ रहा है ब्रेक डांस में भी पेड नहीं आ रहा है ना। अगर आपने एलिमेंटर को कॉपी करके पेस्ट करना चाहता है तो उसके लिए आपको प्लान को परचेस करना होगा, तभी आप एलिमेंटर यूज कर पाएंगे। यहाँ पर देखो लिखा आ रहा है एलिमेंटर पेड में ना, सो आप एलिमेंटर पेड में आ रहा है ना। जैसे मैं एलिमेंटर पर क्लिक करूंगा उसके देखो कुछ रिक्वायरमेंट आ जाएगी। ये देखो ये आ गई, पहले आपको ये इंस्टॉल करना होगा यहाँ पर प्लगइन को, मतलब सॉफ्ट टाइटल वाला प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। फिर आपको ये ऑप्शन आ रहा है मैंडेटरी आ रहा है, फिर आपको देखो फ्लेक्स वर्स कंटेनर इंस्टॉल मैंडेटरी आ गया। फिर इसका पेस्ट डेटा राइट क्लिक एलिमेंटर एडिटर, यहाँ पर सजेस्ट करा कि आप कैसे आप इसको यूज कर सकते हो ना। सो मैं आपको मैं बता दूं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ना एलिमेंटर में पेस्ट करके भी आपको बताने वाला हूँ ना। सो अभी मैं आपको गुटेनवर्क करके दिखाता हूँ, क्योंकि गुटेनवर्क काफी फ्री है ना। सो अभी मैं आपको फ्री वाला प्लान यूज करके बता रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रो प्लान भी यूज करके बताऊंगा, मतलब और इस प्लान को परचेस करके भी बताऊंगा, और कैसे आप एलिमेंटर में भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं करता हूँ गुटेनवर्क पर क्लिक। तो जैसे ही मैंने गुटेनवर्क पर क्लिक किया, सो यहाँ पर देखो हम इस पे आ गए। फिर आपको करना क्या है ना, मैंने इसको कर दिया सेलेक्ट। फिर आपको एक ऑप्शन आ रहा है रिक्वायरमेंट है ना। सो आपको इस रिक्वायरमेंट में आपको जो है ना इस प्लगइन को इंस्टॉल करना कंपलसरी, तब है ना आप कॉपी और पेस्ट कर पाएंगे। सो इस पे करता हूँ मैं क्लिक है ना। सो ये सॉफ्ट टाइटर डॉट आईवी वाला प्लगइन को कर देता हूँ क्लिक और डाउनलोड। मैंने किया क्लिक, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर देखो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया, ये देखो डाउनलोड हो गया है ना। सो अब मैं इस वाले फाइल को है ना, मतलब इस वाले प्लगइन को है ना वर्डप्रेस के अंदर आपको मैं इंस्टॉल और एक्टिवेट करके दिखा देता हूँ, फिर आप ना इसको फिर कॉपी और पेस्ट कर पाएंगे है ना। गुटेनवर्क ये क्राइटेरिया है और एलिमेंटर के अलग क्राइटेरिया है ना। सो मैं चले जाता हूँ प्लगइन्स के अंदर, प्लगइन्स के अंदर चले जाता हूँ एड प्लगइन्स के अंदर। फिर करता हूँ अपलोड प्लगइन्स पर क्लिक, फिर करता हूँ चूज अ फाइल पर क्लिक, फिर चले जाता हूँ डाउनलोड में। यहाँ पर देखो सॉफ्ट टाइटल डॉट आईओ वाला यहाँ पर जो प्लगइन आ गया, इसको करता हूँ सेलेक्ट। फिर करता हूँ ओपन पर क्लिक, फिर करता हूँ इंस्टॉल नाउ पर क्लिक। हाँ सो देखो हमारा देखो प्लगइन यहाँ पर देखो इंस्टॉल हो गया, यहाँ पर देखो एक्टिवेट का ऑप्शन आ गया। सो मैं एक्टिवेट पे अप कर देता हूँ क्लिक। हाँ सो मैंने एक्टिवेट कर दिया। यहाँ पर मैं एक बार आपको प्लगइन दिखा देता हूँ, वहाँ पर देखो लिखा आ गया सॉफ्ट लाइट डॉट आईओ इंटीग्रेटेड। यहाँ पर देखो मैंने इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिया। तो अब मैं चले जाता हूँ यहाँ पर पेजेस के अंदर। सो अब मुझे है ना एक गुटेनवर्क प्लगइन भी इंस्टॉल करना होगा, क्योंकि ये ना इसको मैं गुटेनवर्क के अंदर ही आप ना कॉपी और पेस्ट कर पाएंगे है ना। सो गुटेन बिल्डर भी लगा देता हूँ यहाँ पर मैं ना। सो यहाँ पर देखो मैंने गुटेन वर्क सर्च कर दिया, यहाँ पर देखो प्लगइन आ जाएगा। सो देखो ये आ गया प्लगइन गुटेन पर, इसको करता हूँ इंस्टॉल पर क्लिक ना। फिर इसको करता हूँ एक्टिवेट पर भी क्लिक। तो यहाँ पर जो गुटेन वर्क प्लगइन लेने लगा दिया, ये है ना गुटेन वर्क है ना बिल्डर पेज है, क्योंकि मैं है ना इस वेबसाइट को है ना गुटेन वर्क के अंदर ही पेस्ट करने वाला हूँ, क्योंकि गुटेन वर्क अभी फ्री में हम इसको इम्पोर्ट कर पाएंगे, मतलब कॉपी पेस्ट कर पाएंगे है ना। सो अब मैं चले आता हूँ यहाँ पर पेजेस के अंदर। सो आप करता हूँ यहाँ पर एड पेजेस, एड पेज पर क्लिक। तो यहाँ पर मैं पेज का नाम दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने नाम दे दिया है। तो यहाँ पर मैंने पेज का नाम दे दिया एआई पेजेस। तो यहाँ पर देखो एआई पेजेस के नाम दे दिया। सो अभी मैं इस वाले पेज के अंदर यहाँ पर उसको कॉपी और पेस्ट करने वाला हूँ। सो अब मैं चले आता हूँ उस पेज के अंदर है ना। सो यहाँ पर देखो उस पेज के अंदर आ गए है ना। सो यहाँ पर मैं इस वाली वेबसाइट को यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करना चाहता हूँ, मतलब इसको क्लोन करना चाहता हूँ ना। सो यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया एंटायर पेजेस, गुटेनवर्क रिक्वायरमेंट भी फॉलो कर दिए मैंने, ये मैंने इसका प्लगइन्स इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दिया है ना। सो इसको भी मैं इनेबल कर देता हूँ। फिर मैं नीचे जाता हूँ फिर नीचे देखो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको एक्सपोर्ट का है ना। फिर मैं एक्सपोर्ट पे कर देता हूँ अब मैं क्लिक ना। जैसे मैंने एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, सो यहाँ पर लिखा गया तो कॉपी करके हाँ। सो यहाँ पर देखो ये कॉपी हो गई। अब मैं चले आता हूँ फिर से उस पेज के अंदर। सो आपको यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ अब मैं ना। सो यहाँ पर कंट्रोल वी करके यहाँ पर पेस्ट मैंने कर दिया, थोड़ा ये लोड ले रही है, अब ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये देखो है ना, यहाँ पर देखो पेज नॉट रिस्पॉन्स, यहाँ पर देखो पेज अनरिस्पॉन्सिव का ये ऑप्शन आ गया, क्योंकि मैंने क्लिक कर दिया था ना। सो अभी मैं जो है थोड़ा सा वेट कर लेना है ना। सो यहाँ पर देखो यहाँ पर कॉपी और पेस्ट यहाँ पर देखो हो गए। यहाँ पर देखो
बिल्डर के अंदर है, हम यहाँ पर देखो पेस्ट हो गए, यहाँ पर देखो ये पर सेक्शन आ गया, हेडर भी आ गया है, तो यहाँ पर देखो नीचे शायद ब्लैंक आ रहा है, वो इसलिए आ रहा है, मेरे हिसाब से ये पूरा कॉपी नहीं हुआ है इसलिए नहीं आ रहा है। इसको अभी हम चेक करेंगे, है ना, जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, नीचे यहाँ पर देखो फुटर आया है ना, तो यहाँ पर देखो हेडर आया है, फुटर आया और ये फर्स्ट सेक्शन आया है ना, मेरे हिसाब से ना ये सारे पेजेस अभी कॉपी हुए हैं इसलिए ये आया है ना। सो अभी मैं इसको एक्सप्लोर करके देखता हूँ नीचे जाके, यहाँ पर देखो इसमें भी यहाँ पर देखो कंटेंट दिख नहीं रहे थे इसलिए ना इस यहाँ पर है ना कॉपी पेस्ट नहीं हुआ है, क्योंकि है ना ये जो वेबसाइट है पूरी लोड नहीं हुई थी इसलिए, तो जैसा मैंने अभी कॉपी किया था सेम देखो वही पेस्ट हो गया था, है ना। अगर है ना ये जो वेबसाइट अगर पूरी लोड हो जाती तो है ना पूरा आप है ना कॉपी और पेस्ट कर पाते हैं। सो आई होप आपको समझ जा गया हो कि आप कैसे इसको कॉपी और पेस्ट कर सकते हो, और हाँ नेक्स्ट वीडियो में है ना आपको है ना एलिमेंटर के अंदर भी पेस्ट करके बताने वाले हैं, और इसको एलिमेंटर है ना पेड में ही आपको कर पाएंगे या फ्री में नहीं कर पाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। और हाँ क्लोन वेब एक्स की जो लिंक है ना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट पे आ जाएंगे। सो आई होप आपको समझ जा गया हो कि आप कैसे है ना किसी भी वेबसाइट को क्लोन करके आप है ना अपनी वर्डप्रेस के अंदर मतलब अपने बिल्डर के अंदर यूज कर सकते हैं, जैसे कि एलिमेंटर वोटेंडर बहुत सारे बिल्डर में आप कॉपी और पेस्ट कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को एक प्रोफेशनल वेबसाइट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर आना, क्योंकि मैं इस चैनल पे प्रीमियम थीम प्रीमियम प्लगइन हो उसमें वर्डप्रेस से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पे लेकर आता रहता हूं, और अपने मैंने बहुत सारे जो सब्सक्राइबर को प्रीमियम फाइल है ना फ्री में प्रोवाइड कराई है। सो एक बार आप मेरे चैनल पे जाके चेकआउट करके देख सकते हैं कि आपको कौन कौन सी थीम की फाइल फ्री में मिल सकती है, और आपको कौन सी फाइल चाहिए मुझे कमेंट करके बता देना, जिससे कि मैं वो हुई फाइल में आपको फ्री में प्रोवाइड करा पाऊँ।